दोस्तों ठंडी के सीजन में हम लोग इलेक्ट्रिक गीजर या गैस गीजर ले जाते हैं, तो दोस्तों आज हम आपको इलेक्ट्रिक गीजर जो छोटा जब सबसे ज्यादा सेल होता है 3 लीटर का आपको बताऊंगा। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा चैनल अप्लायंसेस मास्टर, मैं देवेंद्र द्विवेदी आज आपको बजाज फ्लोरा इलेक्ट्रिक गीजर के बारे में बताऊंगा। 3 लीटर इलेक्ट्रिक गीजर, इसकी हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे कि ये गीजर आपको क्यों लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो से फायदा हो सके। दोस्तों देखिए इस तरह से कुछ पैकिंग रहता है इसका, ये देखिए ये यहाँ पे गीजर हमने निकाला इसका। इसके साथ देखिए इस तरह से मैनुअल और गारंटी कार्ड आता है। दोस्तों ये जो गीजर है ये बजाज का फ्लोरा मॉडल 3 लीटर्स का गीजर है, 3 लीटर्स का गीजर है। यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर दिख रहे हैं, देखिए जब आप ऑन करते हैं तो ये दोनों इंडिकेटर चालू होता है और जब पूरा गर्म होता है तो ये बंद हो जाता है, ये चालू हो जाता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये इनलेट है और ये आउटलेट है, यहाँ से गर्म पानी अंदर जाएगा, गर्म होके यहाँ से निकलता है और ये जो रहता है अंदर अगर भाप वगैरह कभी बन गया तो वो बाहर निकलता है इसमें से। बाहर का जो बॉडी है इसका आपको पूरी तरह से फाइबर का बॉडी है जिससे करंट वगैरह लगने का या ज़्यादा गर्म वगैरह होके आपको बाहर प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसका आपको डिटेल जानकारी दी हुई है, ISI मार्क है, 3KV 3000 वॉट का गीजर है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बजाज इलेक्ट्रिक लिमिटेड, यहाँ पे सारी डिटेल आपको जानकारी दी हुई है। यहाँ पे देखिए दो जगह है, ये दीवार पे यहीं पे हैंगिंग होता है, बॉडी के ऊपर भी बजाज का नाम आपको लिखा हुआ है। बजाज कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है और बहुत सारे मॉडल बनाती है, लेकिन ये जो फ्लोरा मॉडल है इसकी सबसे खास चीज़ है दोस्तों, ये आपको इसका जो बॉडी के अंदर जो आपका टैंक रहता है पूरा SS का टैंक आएगा और जो हीट एलिमेंट है वो 100% कॉपर का आता है। इसमें आपको बेनिफिट क्या रहता है, एक्चुअली ये 3 लीटर वाले जो गीजर हैं आजकल बाथरूम में जो एक दो लोगों का छोटा फैमिली है वो लोग ज़्यादा परचेस करते हैं और ज़्यादा डिमांड है इसकी, तो ये गीजर की सबसे बेहतरीन आपको जो बेनिफिट है थर्मोस्टेट रहता है। अगर आपने गीजर समझो चालू किया और आपने बंद करने भूल गए तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि आपको इसमें सबसे जो बेहतरीन चीज़ है दोस्तों, 2 ईयर्स की कम्प्लीटली कंपनी की गारंटी आएगी आपको पूरा प्रोडक्ट का। उसके बाद जो हीट एलिमेंट है उसका 3 साल का और टैंक का जो है 5 ईयर्स का गारंटी आएगी, यहाँ पे ये आपको बॉक्स के ऊपर ही लिखा रहता है। इसके बाद आपको मल्टी सेफ्टी से जो सिस्टम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपका ये देखिए इसको बोलते हैं, अगर आपका प्रेशर ज़्यादा या कम है तो ये आपके उसको कंप्लीट करता है, गीजर के टैंक को फटने नहीं देता है। यहाँ पे देखिए इसकी जो प्राइस की बात करें MRP 6140 है, लेकिन दोस्तों अभी इस समय जो है इसके ऊपर बहुत सारे ऑफर्स चालू है, तो अगर आप लोग ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो हमने वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। इस समय काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चालू है, तो आप लिंक में से परचेस करेंगे तो आपको रेट बिल्कुल बढ़ेगा नहीं, लेकिन आपको वहाँ पे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाएगा। बात करें इसके सेफ्टी सिस्टम की तो हमने आपको बताया कि इसमें डबल थर्मोस्टेट है, उसके अलावा जो है आपका हीट एलिमेंट काफ़ी अच्छा है, 3KV का हीट एलिमेंट है और सबसे खास चीज़ है दोस्तों इसको टाइम कम लगता है, दूसरे गीजरों से आपको इसको टाइम कम लगता है। आप जैसे ही चालू करेंगे तो 4 से 5 मिनट के अंदर ये जो है पूरी तरह से अंदर गर्म हो जाता है और जब बारीक नल आप छोड़ते हैं तो कंटिन्यू गर्म पानी आता है। अगर देखिए छोटे गीजर की एक चीज़ है, अगर आपको ज़्यादा टाइम गर्म पानी लेना है तो बारीक नल छोड़ना, अगर आपने ज़्यादा तेज से नल खोल दिया तो इसके अंदर जो स्टोर पानी है वो तो गर्म होकर निकल आएगा लेकिन बाद में ठंडा आने लगेगा, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हीट है ये जो गीजर है, इसको इंस्टेंट वाटर हीटर बोलते हैं, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको प्री हीट करना है उसके बाद बारीक नल छोड़ना है। अगर आप मीडियम नल छोड़ेंगे तो मीडियम गर्म पानी आएगा, लेकिन ज़्यादा नल छोड़ देंगे तो उसके अंदर का पानी निकल जाएगा, फिर आप बाकी पानी गर्म होने को ज़्यादा टाइम लगेगा। इनमें सिस्टम कैसा रहता है कि पानी नीचे जा करके जो है आपको नीचे छोड़ते हैं वहाँ पे पानी गर्म होता है और ऊपर से गर्म पानी पाइप से नीचे निकलता है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके अलावा भी इसके अंदर देखिए कंपनी की स्कीम चल रही है, इंस्टॉलेशन और इनलेट आउटलेट पाइप आपको फ्री आएगा, तो
तो आपको करना क्या है, अगर ये गीजर परचेस किया तो ये नंबर पे फोन करके आपका एड्रेस देना है। अगर ये नंबर में आप एड्रेस देंगे, कंपनी का आदमी सिटी एरिया में, ग्रामीण एरिया में है, आपको पाइप तो मिलेगा लेकिन आपको इंस्टॉलेशन ग्रामीण एरिया में फ्री नहीं मिलता। अगर कंपनी का सर्विस सेंटर नज़दीक है तो वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर फ़ोन करना है आपको, आदमी घर पर आता है। बाकी आपको अगर कंप्लेन है, प्रॉब्लम है, तो हर जगह पर कंपनी का सर्विस आपको फ्री मिलेगा। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है हमारे रिव्यू में काफ़ी अच्छा है। बस इसमें कंपनी ने थोड़ा सा एक चीज़ और कर देती, इसके साथ में प्लग नहीं आता, तो अगर इसके साथ में प्लग दे देती तो काफ़ी अच्छा हो जाता। प्लग नहीं दिया हुआ है, वायर भी थोड़ा सा छोटा है वायर का, लेकिन फिर भी क्वालिटी और इन चीज़ों की तो वो तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके अंदर अभी आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जब भी कभी आपको लगाना है तो 16 एम्पियर का प्लग ही लगाना। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने प्लग नहीं लगाया तो आप 5 एम्पियर का प्लग लगा दो। 5 एम्पियर का प्लग लगा दोगे तो आपके प्लग जल जाएगा या तो फिर लाइट जो है शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों इसके वारंटी और गारंटी के, तो वो आपको हमने बता दिया, 2 ईयर्स कंप्लीट प्रोडक्ट की वारंटी आएगी, 5 ईयर्स टैंक की वारंटी, 3 ईयर्स एलिमेंट की वारंटी। अब बात करते हैं इसको आपको ध्यान क्या क्या चीज़ रखना है। जहाँ पे जिस बिल्डिंग या बंगलों में आपको घर पे अर्थिंग नहीं रहेगी, वहाँ पे गीजर आप लगाएंगे तो आपको करंट लग सकता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखो, जब भी आप इसको फिटिंग करते हैं तो ये आपको टेस्ट करना है कि पानी में करंट तो नहीं आ रहा। अगर पानी में करंट आ रहा है इसका मतलब घर पे अर्थिंग नहीं दिया हुआ है। ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको पानी में झटका वगैरह महसूस होता है, तुरंत आप कंपनी के कॉल सेंटर में संपर्क करें और गीजर को यूज ना करें, ये आपको एक सावधानी रखनी है। दूसरी चीज, जहाँ पे हार्ड वाटर रहेगा, हार्ड वाटर अगर है आपके यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये गीजर जो है खराब होने का चांस हो सकता है, क्योंकि हार्ड वाटर से हीट एलिमेंट जो है वो खराब होने का चांस रहता है। उसके अलावा बाकी का आपको गीजर कभी भी ध्यान रखिए, ड्राई गीजर यूज नहीं करना है। जब भी आप गीजर ऑन करते हैं तो आपको गीजर के नीचे जो नल है उसको चेक करना है चालू करके कि गीजर के अंदर पानी है या नहीं है। अगर आपने ड्राई गीजर चालू कर दिया तो गीजर का जो हीट एलिमेंट है वो खराब हो सकता है या वो फूट सकता है या वो डैमेज हो सकता है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको कभी लगता है कि प्रोडक्ट गर्म नहीं हो रहा या कोई अदर प्रॉब्लम है तो आप कंपनी में संपर्क कर सकते हैं। ये तो काफ़ी अच्छा ऑफर्स रहता है, ये आपको 3500 के करीबन मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। 100-200 रुपए कम ज़्यादा, कहीं पे आपको पाइप फ्री देते हैं, कहीं पे नहीं देते, लेकिन हमारे पास से अगर आप परचेज करेंगे तो पाइप आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा गीजर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और सारे प्रोडक्टों के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।